मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हर विद्यालय में महीने की 26 तारीख को बैग फ्री डे मनाया जाएगा। इसी के तहत नूरपुर में भी बीटीसी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में बैग फ्री डे मनाया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि बैग फ्री डे बच्चों ने स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि स्कूल में विभागीय निर्देशानुसार विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कार्यक्रम चलाए गए ताकि उनकी पर्सनैलिटी का विकास हो। इसके अलावा रोजमर्रा प्रार्थना सभा में हर बच्चों को आने का अवसर तो मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे छूट जाते हैं। हर महीने के अंतिम शनिवार को यह एक दिन फिक्स कर दिया गया है। सरकार के द्वारा इस दिन को मनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि स्कूल स्टाफ ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया था कि आने वाले जो भी अंतिम शनिवार होगा उस दिन बच्चों को प्रेरणादायक लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे, जिसके तहत हर महीने पैदा हुई बच्चियों का जन्म दिवस भी स्कूल में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत अप्रैल और मई महीने में जन्मी लगभग 52 छात्राओं का जन्मदिन मनाया गया, जिन्हें मिष्ठान भी करवाया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि इसी एजेंडे के तहत विशाल रैली निकाली गई। इस रैली से संदेश दिया गया कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, क्योंकि स्वच्छ भारत का सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उसको पूरा करने के साथ साथ लोगों के दिमाग भी स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ तभी होंगे जब नशे से मुक्त होंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेशानुसार, उनकी घोषणा के अनुसार हर विद्यालय में, हिमाचल के हर विद्यालय में बैग फ्री डे जो है वो मनाया जा रहा है। इससे बच्चों में बहुत उल्लास है कि हम ना जाने इस दिन क्या क्या करेंगे, लेकिन विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जो है निर्देशित की गई है ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। रोजमर्रा प्रार्थना सभा में हर बच्चे को आने का अवसर मिलता है, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं कि वो एक्सपोजर नहीं दे पाते। लेकिन हर महीने के अंतिम शनिवार को ये एक दिन फिक्स कर दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि प्रतियोगिताएं करवाने में वक्त लग जाता था, कुछ पीरियड्स छूट जाते थे, बच्चे टेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे कि अगला सब्जेक्ट छूट गया या किस टीचर ने डांट दिया। अब वो डांट डपट की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी भयमुक्त वातावरण है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से भयमुक्त रहेगा और टेंशन फ्री है बच्चों के लिए कि अगर हम लेट गए तो आगे डांट पड़ जाएगी या ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि पीरियड छूट रहा है, पढ़ाई छूट जाएगी। तो आज का दिन उनके लिए बेहद उल्लास भरा दिन है और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज भी हमने अपने विद्यालय में चित्रकला, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग, स्पोर्ट्स कम्पिटिशन रखे हैं। कुछ कम्पिटिशन बिफोर रिसेस करवाए जाएंगे, कुछ आफ्टर रिसेस करवाए जाएंगे। इन बिटवीन हमने एक प्लान किया है हमारे स्टाफ ने मिलकर के कि आने वाले जो भी शनिवार हमारे हिस्से में आएंगे हर माह के, हर महीने के, उसमें बच्चों को कुछ प्रेरणादायक लघु फिल्में भी, जो बाल फिल्में होती हैं लघु फिल्में, वो भी दिखाई जा सके। कुछ चीजें जो बच्चे हमारे बोलने के माध्यम से नहीं सीख सकते वो चित्र देख करके समझ जाते हैं, तो हम मोटिवेशनल फिल्म जो है उन बच्चों के लिए प्लान करेंगे पूरे स्टाफ के साथ मिलकर। साथ ही साथ हमारे बच्चे आज रिहर्सल करेंगे यूथ पार्लियामेंट जो कि लदोड़ी में होने जा रही है 29 और 30 मई को, उसके भी अभ्यास वो अपना आज प्रैक्टिकल अपना दिखाने वाले हैं कि क्या तैयारी की है। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए ये मंच दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसके लिए सारे बच्चे जो है वो धन्यवाद करना चाह रहे हैं सरकार का। वो बोल नहीं पा रहे लेकिन उनकी खुशी जाहिर होती है कि आज वो कितने तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने आज के चौथे शनिवार को बैग फ्री डे घोषित किया है। इस दिन हम बच्चे जो भी उनका पेंडिंग वर्क पड़ा होगा हम वो कर सकते हैं। हमने किसी भी प्रतियोगिता में अगर भाग लिया है तो हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और ये पहले बाल सभाएं होती थी, बस इसका नाम बदल के अब बैग फ्री डे कर दिया गया है। काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। जैसे कि हम शनिवार को बैग नहीं लेके आते स्कूल में, तो हमारे स्कूल में कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं जिसके माध्यम से हमें अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिलता है। और जैसे कि 31 तारीख को तंबाकू डे मनाया जाएगा, तो उस पर हमारे NSS के वॉलंटियर और स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स ने एक रैली निकाली जिससे कि सभी को जागरूक करने की प्रेरणा मिल रही है। थैंक यू।